अल्लाम मैं डॉक्टर जहाँ आरा शम्सा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको खुश आमदीद कहती हूँ आज का हमारा प्रोग्राम कोर्स कोड 6403 फोर जीरो थ्री क्लास रूम मैनेजमेंट के बारे में है आज हम यूनिट नंबर नाइन क्लास रूम मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे इस पर बात करने के लिए जो एक्सपर्ट हमारे पास मौजूद हैं वो मिस नाइमा की हैं मिस नाइमा जकीी मैंमाबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको खुश आमदीद कहती हूँ मिस नाइमा दरसो तदीरी से अरसा कई साल से वस्ता हैं और बहसीत इंचार्ज डिसप्लिन कमेटी गाइडेंस एंड कौंसलिंग अपने फ़राइज सर अंजाम देती रही हैं तो मिस नाइमा सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी जैसा कि हमने आज बात करनी है क्लास रूम मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स के बारे में तो आप सबसे पहले हमें ये बताएं कि जब आप क्लासरूम मैनेजमेंट की बात करती हैं तो आप क्लासरूम मैनेजमेंट को किस तरह से देखती हैं थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा फ़ॉर द इंट्रोडक्शन एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी और हम लोग बात कर रहे हैं क्लास रूम मैनेजमेंट की क्लास रूम मैनेजमेंट के अंदर जब हम लोग उसको नैरो डाउन करके क्लास रूम के अंदर लेकर आते हैं तो वो सब एक्टिविटीज़ हैं वो सब रिसोर्स हैं वो सब ह्यूमन रिसोर्स हैं टेक्निकल और सब फिज़िकल रिसोर्स जिनको हम लोग अपने क्लासरूम में इस्तेमाल करते हैं और उनको इस्तेमाल करने का मकसद ये होता है कि हमारे जो सेट गोल्स हैं हम उनको अचीव कर सकें हमारे पास जो टीचर्स हैं उन लोगों ने अपना टीचिंग लर्निंग जो एक प्रोसेस uh, सेट किया हुआ है उन्होंने उसको अचीव करना है तो वो सारे प्रोसेस तक प्रोसेस को मुकम्मल करने के लिए उस टारगेट को अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ की जाती हैं वो बहुत ज़्यादा रिसोर्स इस्तेमाल किए जाते हैं तो वो हर स्टेप जो एक टीचर क्लासरूम के अंदर अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए ले रहा होगा वो सारा क्लासरूम मैनेजमेंट के अंदर आएगा वो सब स्टेप्स क्लासरूम मैनेजमेंट के अंदर आएंगे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक्चुअल में जो गोल्स हैं हमारे जो टीचिंग लर्निंग के बारे में जो हमने गोल सेट किए हैं उन सब के अचीवमेंट के लिए हमने जितनी भी चीज़ों को मैनेज करना है उसको हम क्लासरूम मैनेजमेंट कह सकते exactly. हैं एग्जैक्टली जब हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं उसको हम लोग एक मैनेजमेंट के थ्रू लेके चलते हैं तो क्लासरूम के अंदर हम अपना जो लेसन प्लान है उस लेसन प्लान को हमने अचीव करना है या फिर जो टारगेट है उसको अचीव करना है तो वो सारी की सारी बातें जो हैं वो मैनेजमेंट के ऊपर अमल करते हुए मैनेजमेंट करते हुए मुकम्मल होंगी तो वो सारी फिर हमारी मैनेजमेंट के अंदर आ जाएंगी क्लास रूम मैनेजमेंटी क्या ये सारी चीजें जैसे कि आपने बताया प्लान जैसे करते हैं और ये ऐसे मैनेज हो जाती हैं या कहीं पे कहीं कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी आ जाता है डॉक्टर साहब ऐसा तो कभी नहीं होता कि आप जो प्लान करते हो एग्जैक्टली exactly वैसे चीज़ें हो जाती हैं ठीक है हम अपने एजुकेशन सिस्टम को जब देखते हैं तो उसके अंदर बहुत ज्यादा ऐसे मसले हैं जिनके जो लूप होल्स हैं जो उस तरीके से नहीं होते जो हमारी थेरी कह रही हुई होती है या जैसे हम अपने टीचर्स को सिखा रहे हुए होते हैं या फिर हम लोग खुद सीख के क्लासरूम में जा रहे हुए होते हैं तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो जब उस तरीके से नहीं होती जैसी प्लान की हुई होती हैं तो ऑफकोर्स कोर्स वहाँ पर कन्फ्लिक्ट तो होता है ठीक है तो मिस मिसनाइमा आप कॉन्फ्लिक्ट को आप जब बताती हैं जैसे कि आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं टीचिंग के आप कॉन्फ्लिक्ट को किस तरह से देखती हैं कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो हम लोग ये कहते हैं कि ये दुनिया सारी बड़ी डाइवर्स है।, है ठीक है हम लोग ये कहते हैं कि दुनिया के अंदर सात अरब लोग हैं हम ये कहते हैं कि हर एक शख्स को यूनिक बनाया गया है हम ये कहते हैं कि हर शख्स यूनिकनेस रखता है और उस तरीके से सोचता है तो फिर उसके आइडियाज़ भी डाइवर्स होंगे जब हर शख्स एक क्लासरूम के अंदर डिफरेंट तरीके से सोचता है तो वहाँ पे डिसएग्रीमेंट ऑफ आइडियाज़ आता है जब डिसमेंट ऑफ आइडियाज आता है तो हम लोग अपने गोल्स पर उस रास्ते से नहीं जा सक रहे हुए होते जो रास्ता प्लान किया गया है जो एक टीचर है वो पचास लोगों को सौ लोगों को जितने भी हमारी क्लास है उन लोगों को एक तरीके से लेकर चलना चाहता है या वो स्टूडेंट जो अपनी क्लास में आया है वो एक तरीके से चलना चाहता है लेकिन ऐसा नहीं होता है वहाँ पे डिसग्रीमेंट आ जाता है क्योंकि वहाँ पे हमारे पास लोग काफी ज्यादा हैं तो उस डिसअ की वजह से कॉन्फ्लिक्टरज़ होता है तो इसको हम लोग कॉन्फ्लिक्ट कहेंगे जो कि डिसअग्रीमेंट हो गया हमारे आइडियाज़ के अंदर हमारे एक्शंस के अंदर जो हम लोगों ने प्रोसेस करना है उस प्रोसेस के अंदर जैसे हमने मैनेज करना है उस मैनेज के अंदर मैनेजमेंट के अंदर तो दिस इज़ हाउ वी टेक कन्फ्लिक्ट तो यहाँ पर फिर मिस नाइमा मैं ये भी आपसे पूछना चाहूँगी कि चूँकि अल्टीमेटली हमने क्लास को मैनेज करना है और कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं तो इनको फिर हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं ताकि हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो स्मूथली लेके चल सकें ओवरऑल जब हम लोग कॉन्फ्लिक्ट को देखते हैं तो उसके अंदर डिफरेंट तरीके होते हैं जिसको हम जिससे हम लोग उसको मैनेज करते हैं सबसे पहले हम ये कहते हैं कि हम लोग कॉन्फ्लिक्ट को मैक्सिमम कोशिश ये करते हैं कि हम इसको अवॉइड कर दें ताकि वो अराइज ही ना हो यानी हम उसको पैदा ही ना होने दें पैदा ही ना होने दें और इन केस अगर वो आ, आ, पैदा हो गया तो उसको थोड़ी देर के लिए एज इट इज छोड़ दें शायद वो अपने नेचुरल प्रोसेस पे चलते हुए खुद ही खत्म हो जाए तो इसलिए आप उसको एक वक्त देते हो एक लिमिटेड वक्त देते हो जिसके अंदर आप उसको अवॉइड करते हो यानी हम रिएक्शन ना ले फोरियक्शन आप अपने टीचर्स को प्रोएक्टिव होना चाहिए है उनको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उस हालात की जो चल रहे हैं लेकिन उसके अंदर अगर ये टेक्निक अमल करती है कि आप उसको अवॉइड करके तरीकाकार चला सकते हैं तो फिर है। आप उसको अवॉइड कर लें लेकिन ऐसा है। नहीं है कि ये जानते हुए कि थोड़ी देर बाद ये एक खराब सा सिलसिला चल पड़ेगा तो उस सिलसिले में आप उसको अवॉइड नहीं करेंगे उसमें आप उसको वो और तरीके हैं कंफ्लिक्ट मैनेजमेंट के जिनको फॉलो करते हुए आप उसको सॉल्व करेंगे लेकिन आप एक लिमिटेड सिचुएशन के अंदर उसको अवॉइड कर सकते हो ठीक है फिर नेक्स्ट अगर मैं आपको तरीका बताऊं कि जो कन्फ्लिक्ट को मैनेज करने के लिए यूज हो सकता है आप कन्फ्लिक्ट को डिफीट करते हो ठीक है ठीक है आप एक टीचर हो हम लोग लर्निंग के डिफरेंट तरीके पढ़ते हैं लीडरशिप के डिफरेंट तरीके पढ़ते हैं तो उसके अंदर ये होता है कि आप अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल में करते हुए उस कन्फ्लिक्ट को खत्म कर दोगे कि कन्फ्लिक्ट खत्म होगा क्लासरूम के अंदर एक मैसेज जाएगा कि ये कन्फ्लिक्ट जो है भाई ऐसा नहीं अब हो सकता ऐसा कन्फ्लिक्ट जो कि माहौल ख़राब कर रहा है डिसिप्लिन ख़राब कर रहा है तो उसको आप डिफीट कर दो तो वो ज़्यादा बेहतर है फिर आप अपने स्टूडेंट्स को ये सिखाते हो कि वो सम uh, हाउ उसको कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन के अंदर ले आके उसको रिजॉल्व कर लेते हैं कन्फ्लिक्ट को फिर आप कोलेबोरेट कर लेते हो ठीक है स्टूडेंट्स के साथ स्टूडेंट्स आपस में कर लेते हैं स्टूडेंट टीचर्स कर लेते हैं तो इस तरीके से फिर कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का एक तरीका का चल पड़ता है जब हम एक बड़े स्केल पर देखते हैं तो जब हम इसको मज़ीद नैरो डाउन करते हैं और अंदर लेकर आते हैं क्लासरूम के अंदर लेकर आते हैं या स्कूल के अंदर लेकर आते हैं तो उसके अंदर फिर यह है कि हम ये कहते हैं कि एक स्कूल मैस लेवल का डिसीजन हो जाएगा ठीक है okay. मैथ्स लेवल के डिसीजन के अंदर आप अपने लोगों को अपने बच्चों को एक इंस्ट्रक्शन का पैटर्न दे देते हो कोड ऑफ एथिक्स दे देते हो आप बोलते हो कि आपने इसको फॉलो करना है okay. आप वो फॉलो करते हो तो कंफ्लिक्ट मैनेज होने लगता है अब ऐसा नहीं है कि हमारे पास अगर 100% परसेंट पॉपुलेशन जो है वो सारे की सारी उसको मान जाएगी उसके अंदर फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल होंगे स्टूडेंट्स ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होंगे जो उसको उस तरीके से नहीं मान रहे होंगे उसको फॉलो नहीं कर रहे नहीं, होंगे नहीं, disagreement आ जाएगा देन यू हैव टू मेक फोकस ग्रुप्स उन फोकस ग्रुप्स के अंदर जाके आप आप देखोगे कि अब ये वाले ग्रुप के लोग हैं दे आर हैविंग सेम करेक्टरिस्टिक्स तो उनको कैसे आप आ, हल कर कर सकते हो फिर उस फोकस ग्रुप के अंदर एक 20 टू 30 परसेंट पॉपुलेशन जो होगी वो कन्फ्लिक्ट को ख़त्म कर देगी कन्फ्लिक्ट वहाँ पे रिजॉल्व हो जाएगा लेकिन फिर ऐसा होता है कि कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो कि कन्फ्लिक्ट बना रहे हैं कोई मसला तो आ रहा है क्लासरूम के अंदर कोई ना कोई इशू हो रहा है स्कूल के अंदर कोई ना कोई इशू हो रहा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर कोई मसला आ रहा है तो फिर आप उन इंडिविजुअल्स की अलग से काउंसलिंग करते हो ठीक है फिर उनको आइडेंटिफाई कर लें और उन्हें सेपरेटली वन टू वन काउंसलिंग करें वन टू वन काउंसलिंग करें एंड दैट कैन बी वेरी इफेक्टिव क्योंकि आप कुछ आप जब किसी स्टूडेंट को एक जगह पे बिठा के उससे बात कर रहे हुए होते हो तो वो अपनी उसकी इम्पोर्टेंस अपनी नज़र में खुद ही बढ़ जाती है और उसको लगता है कि भाई अब कुछ तो बात है जो कि मुझसे बात की जा रही है और फिर वो उसके ऊपर अमल करेगा जो आप उसको कहेंगे और इस तरीके से कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होने के पूरे पूरे, पूरे चांसेस हैं ठीक है तो जैसा कि आपने काउंसलिंग की बात की तो मेरे जहन में एक सवाल का जवाब आया कि स्टूडेंट्स अक्सर कहते हैं कि हमें हम तो एजुकेशन के स्टूडेंट हैं हमें साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है तो एजुकेशनल साइकोलॉजी में एक तरीका का जो है वो काउंसलिंग का भी है जी तो जब हम क्लासरूम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो डेफिनेटली हमने काउंसलिंग भी करनी है ये ऐसी ही बात है जब हम एक, एक टीचर होते हैं तो हम सिर्फ एक टीचर नहीं होते हैं hmm. हम साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं हम सारे हम टीचिंग भी कर रहे हुए होते हैं तो वो सारी बातें बड़ी ज़रूरी होती हैं कि हम लोग साइकोलॉजी के बारे में कुछ ना कुछ जानते हुए हों तब okay. हम लोग स्टूडेंट की साइकोलॉजी को सीख कर लर्न करके ये जान सकेंगे कि हमने एक्ट कैसे करना है अगर हम उनकी साइकोलॉजी नहीं जानें हम रेंडमली बिहेव कर रहे हैं या रेंडमली एक्ट कर रहे हैं hmm. तो हम लोग उतनी उस तरीके से गोल ओरिएंटेड नहीं होंगे हम लोग वो अचीव नहीं कर सकेंगे वो वाले गोल्स उतनी शायद कर लें लेकिन उस तरह इफेक्टिव नहीं नहीं, नहीं, नहीं जाहिर है वो आपके पास चीज़ों का प्रैक्टिकल नॉलेज होगा आपने थेरी को पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर एग्जैक्टली ऐसी बात तो मिस नाइमा आपने बहसीत डिसिप्लिन इंचार्ज कई सालों से काम किया है तो मैं यहाँ पर आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि आप क्लासरूम डिसिप्लिन को किस तरह से देखती हैं और ये भी बताएं कि ये खराब कैसे होता है अच्छा डिसिप्लिन की बात करते हैं तो डिसिप्लिन मे बी पीपल डोंट एग्री विद दिस लेकिन मोस्ट ऑफ़ द टाइम इट इज़ अ रिलेटिव टर्म क्योंकि द कोड ऑफ एथिक्स यू डिफाइन इन योर क्लास वो सारे आपके डिसिप्लिन होंगे वो आपका डिसिप्लिन होगा और डिसिप्लिन वेरीज वेरीज टीचर टू टीचर अब हर टीचर जो है वो अपना कोड ऑफ एथिक्स या उसके डूज और डोंट्स डिफरेंट होते हैं अब आप अपनी क्लास में जब जाएं तो आप आप और तरीके से बात करना चाहेंगी आप ये कहेंगी कि मेरे क्लास का माहौल रिलैक्स होना चाहिए है मेरी क्लास के अंदर कोई खा पी भी सकता है मेरी क्लास के अंदर कोई बात भी कर सकता है अगर किसी को फ़ोन आ जाता है तो वो क्लासरूम से बाहर भी निकल जाता है तो कुछ लोग ऐसे होंगे कुछ टीचर्स ऐसे होंगे जो कहेंगे नहीं भाई ये बात तो बिल्कुल नहीं चलेगी फ़ोन साइलेंट पर होंगे फ़ोन बंद होंगे या कुछ लोग फ़ोन लाने की इजाज़त नहीं देंगे खाना पीना बिल्कुल अलाव नहीं होगा तो हर टीचर जो है वो अपना डिसिप्लिन डिफरेंट तरीके से मेंटेन कर रहा है तो दिस इज हाउ आई टेक डिसिप्लिन और अगर हम इसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कर लेंगे तो वो हमारे लिए आसानी हो जाएगी ठीक है उसके बाद फिर आपने दूसरा सवाल क्या किया कि डिसिप्लिन खराब कैसे होता कैसे होता है डिसिप्लिन खराब करने के आपको पता है स्टूडेंट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे हैं उनके एक्शन डिफरेंट हैं हमारे कोड ऑफ एथिक्स डिफरेंट हैं वो कन्फर्म नहीं हो रहे हैं डिसग्रीमेंट भी हो रहा है और फिर जब वो डिसअग्रीमेंट ऑफ आइडियाज़ जिसकी हम पहले बात कर चुके हैं वो किसी ना किसी तरीके से उनका कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं हो रहा तो फिर वो कहते हैं कि अब हम डिसिप्लिन ख़राब करेंगे दे नीड अटेंशन जब वो उनको अटेंशन मिलेगी वो मिलेगी डिसिप्लिन खराब करके वो क्या करेंगे वो बुलिंग करेंगे वो कॉल uh, आउट करेंगे वो फाइट करेंगे तो इस तरह के वो मसले बनाएंगे अब ऐसा नहीं है कि अगर ये मसला बन रहा है तो इसके बैकग्राउंड में कुछ नहीं है देर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन द बैकग्राउंड जब कोई एक्शन हो रहा हुआ होता है तो अगेन इसके अंदर भी फिर साइकोलॉजी आ जाती है आपने जैसे बात की कि साइकोलॉजी एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है तो वो स्टूडेंट्स जो एक्शन कर रहे हुए होते हैं जो डिसिप्लिन खराब कर रहे हुए होते हैं उसके अंदर सारी की सारी पीछे से बात आ रही हुई होती है उनके कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं हुआ तो दिस इज़ वाई डिसिप्लिन इशूज़ आते हैं डिसरप्टिव बिहेवियर आते हैं तो अभी आपने डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर का लफज बोला जी जी तो आप हमें ये बताएं कि ये क्या चीज़ है डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर वही होंगे ना जो आप अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसके अंदर आप डिसिप्लिन खराब कर रहे हैं डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर की अगर आप एग्जाम्पल लेते हो हुँ. तो आप बुलिंग कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल ठीक है आप क्लास के अंदर बैठे हो आप चीटिंग कर रहे हो हुँ. आप क्लास के अंदर बैठे हो आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो प्रॉपरली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो तो चलो आप इतना डिसिप्लिन खराब नहीं कर रहे लेकिन आप चीटिंग कर रहे हो आप आ, फाइट कर रहे हो किसी स्टूडेंट को राह चलते हुए कुछ भी कह रहे हो टीचर को बुलिंग कर रहे हो अगर हमारे टीचर प्रॉपर तैयार हो के नहीं जा रहे हो अपने लेसन को तैयार करके नहीं जा रहे होते तो स्टूडेंट डू बुलिंग विद देम तो थी, वो थी। कहते हैं टीचर्स हमारे पास आते हैं और फिर आके कहते हैं कि हम इसका ये इसके क्या सोल्यूशन है आप अपना मुकम्मल होमवर्क करके नहीं जाएंगे तो आपको इस तरह के सारे मसले पेश जरूर अच्छा आएंगे। अच्छा यानी टीचर अगर तैयार होकर नहीं जाता वेल प्रिपेयर well नहीं होता कंटेंट नहीं आता तो भी क्लासरूम मैनेजमेंट डिस्टर्ब होती है देखें ना टीचर इज़ द की जो क्लास चला रहा है अब एक सारे ही लोगों के बगैर हॉस्पिटल चलते हैं मैनेजमेंट बाकी सारी के बगैर डॉक्टर के बगैर नहीं चलता है आप मीडिया चैनल्स चलते हैं रिपोर्टर के बगैर नहीं चलता है कुछ चीज़ें जो है वो की हैं पूरे का पूरा इंस्टीट्यूशन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चलता है लेकिन टीचर के बगैर नहीं चलता है तो ये कुछ हमारे की फिगर्स हैं जिनके अंदर टीचर भी एक है तो उसको खुद समझना चाहिए कि हाउ इम्पोर्टेंट ही और शी इज तो उसको कितनी ज़रूरत है कि वो तैयार होकर जाए वो वो तो उसको तो तैयार होकर जाना वेल well प्रिपेयर्ड होना सबसे पहली बात है ना अगर है। वो नहीं कर रहे तो उसके बाद सारे क्लास मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स आ रहे हैं अगर टीचर अपने आप को खुद को प्रिपेयर नहीं लेके जा रहा क्लासरूम के अंदर तो फिर वो ये शिकायत ना करे कि भाई क्लासरूम मैनेजमेंट में मसले आ रहे हैं ठीक है टीचर नीड टू बी वेल प्रिपेयर्ड ठीक है तो यहाँ पे मुझे ये भी बताएं कि अगर हम ये कहें कि कुछ सोर्सेज हैं कि ये चीज़ें अगर मौजूद होंगी तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा प्रॉब्लमेटिक स्टूडेंट जो हैं वो डिस्ट्रिप्टिव बिहेवियर शो करेंगे वो कौन से सोर्सेज हैं कि जिनका हम आइडेंटिफाई कर सकें कि ये हैं तो ये होगा आप आपके कहने का मतलब है कि सोर्सेज हमारा डिसिप्लिन uh, ख़राब जरूर करेंगे जो कि क्लास के अंदर ऐसे कौन से सोर्सेज मौजूद होंगे पहली तो हमने कन्फ्लिक्ट की बात की कि अगर वो रिजॉल्व नहीं हुआ हुआ होगा तो वो हमारे पास जरूर होगा डिसिप्लिन uh, खराब होगा फिर ये बात है कि अगर स्टूडेंट के अंदर नॉन सीरियसनेस का फैक्टर मौजूद है तो हमारे पास जरूर डिसिप्लिन uh, खराब होगा फिर स्टूडेंट्स जिस बैकग्राउंड से आ रहे हैं

ब्रेक भी ऑफ करनी है फिर पढ़ाई करनी है बड़ा स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्टवायॉर्मेंट बन गया है तो भी डिसिप्लिन के इश्यूज आ जाएंगे ठीक है तो मैं चाह रही हूँ कि अब आप हमें ये बताएं कि जब हम क्लासरूम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो अगर हम इसको इस तरह से कहें कि हाँ जी ये प्रॉब्लम्स हैं जो क्लास मैनेजमेंट में आनी ही आनी है उन प्रॉब्लम्स के बारे में आप क्या बताएंगी कि वो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं अच्छा क्लास मैनेजमेंट में आप बैठे हो तो समाइम्स बल्कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये होता है कि टीचर का जो अथॉरिटी है टीचर की जो अथॉरिटी है उसको समटाइम्स अंडरमाइन किया जाता है ठीक है।, है अब हमारे उस्ताद हैं मोहतरम भी हैं मोहसिन भी हैं तो जब उनका एक स्टेटस एक जगह से हट जाता है ठीक है उसकी बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हो सकते हैं उसका फैक्टर उस फै उसकी वजह जो है वो सिर्फ स्टूडेंट नहीं हो सकते वो टीचर ख़ुद भी हो सकता है, है। वो इन्वायरमेंट भी हो सकता है वो वो एक डिफरेंट स्टोरी है लेकिन जब वो अंडरमाइन होता है जब टीचर का एक स्टेटस अंडरमाइन होता है तो तब हमारे पास मसला आता है तब हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट होता है फिर ये होता है कि स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे ठीक है एक टीचर है वो वेल well प्रिपेयर आ रहा है सारी की सारी बात बड़े अच्छे तरीके से डिलीवर कर रहा है लेकिन स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं कर रहा तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम ठीक है स्टूडेंट जब पार्टिसिपेट नहीं करता तो वो टीचर के लिए एक सबसे ज़्यादा मुश्किल बात है समटाइम्स कुछ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि टॉकेटिव होते हैं जो कि ज़्यादा बात करते हैं वो ज़्यादा पार्टिसिपेट कर जाते हैं और कुछ लोग जो हैं वो रह जाते हैं तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि जो जो स्पायरल ऑफ साइलेंस में कहीं डूबे हुए से लोग होंगे वो बात नहीं कर रहे तो फिर हमारे पास ये एक प्रॉब्लम है हमारे हमारी क्लास के अंदर सारे लोग उठ के इक्वली परफॉर्म करेंगे तो वो एक अच्छे तरीके से क्लास का सिलसिला चलेगा क्लास मैनेजमेंट चलेगी तो ये मसले हो जाते हैं और आ, मेरे ख्याल में तो ये मसले हैं जो कि जो ज्यादातर फेस करने जो ज्यादातर फेस करने को मिलते हैं तो साथ हमें हाँ जी। हमें ये भी बताइएगा साथ के हम इनको सॉल्व कैसे करें ताकि हमारे प्रोस्पेक्टिव टीचर्स जब फील्ड में जाए तो उनको प्रॉब्लम्स के साथ इनके सोल्यूशन का भी कुछ आइडिया हो कि यहाँ पे अगर ये इशू आता है तो हमने कैसे स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करवाना है हमने इस मसले को कैसे सॉल्व करना है हम्म पहले मैंने जैसे प्रॉब्लम्स की बात की तो सबसे पहले टीचर के स्टेटस की बात की तो वो टीचर को चाहिए है कि वो अपनी क्लास के डिसिप्लिन को बड़े पहले दिन डिफाइन कर दे ठीक है उसको देर हेर फेर नहीं आएगा यानी आप ये कहना चाह रही हैं कि क्लासरूम के भी कुछ रूल्स होने हाँ, चाहिए जो प्री डिफाइन हो जो हर टीचर से वो हर मैंने जैसे पहले भी बात की कि टीचर टू टीचर वो वेरी कर रहे हैं ठीक है एक टीचर है अब स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि आपने डॉक्टर साहिबा की क्लास में चुएंगम नहीं चबानी ठीक है ठीक है कुछ स्टूडेंट ये समझते हैं मतलब वही स्टूडेंट्स वही सेट ऑफ स्टूडेंट्स है वो ये कहते हैं कि आपने इन मैडम की क्लास के अंदर कुछ भी खा लेना है, मसला नहीं है ठीक है तो हर टीचर अपने डूज एंड डोंट्स क्या करना है और क्या नहीं करना है वो डिफाइन कर दे पहले तो अगर वो स्टूडेंट से शेयर करे सबसे पहले क्लास के अंदर उसको बता देना चाहिए कि भाई मेरी क्लास है मेरी क्लास के अंदर अगर आप पांच मिनट से लेट आ रहे हो तो यू आर नॉट अलाउड टू एंटर इन क्लास अगर आप अपना फोन लेकर आ रहे हो तो यू आर नॉट अलाउड ठीक है मतलब इस तरह की बातें इसी तरीके से जरूरी नहीं है कि आप यही बोल रहे हो आप ये बोलोगे कि भाई अगर आपका फोन आ गया है तो आप क्लास से बाहर निकल जाओ आराम से फोन सुन लो वापस क्लास में आ जाओ। ठीक है यानी ये वेरी कर सकते। ये वेरी करता है और आप आप अपने मिजाज के मुताबिक अगर आपको लगता है कि आप क्लास को आप रिलैक्स रख के भी क्लास को कंट्रोल कर सकते कर हो तो डू मैनेज दैट दैट वे वो ज़्यादा अच्छी ज्यादा खूबसूरत बात है कि स्टूडेंट जो है वो इजी फील कर रहे है आपकी अटेंडेंस भी बढ़ जाएगी इस तरीके से जब आप स्टूडेंट्स को इस तरीके से रिलैक्स रखते हो लेकिन मैनेज आपने फिर स्टूडेंट को करना है उस तरीके से कि आप उसको रिलैक्स रख रहे हो तो हाउ हाउ यू आर मैनेजिंग दैट तो स्टूडेंट वो स्टूडेंट क्लास में आ रहा है वो कुछ अगर खा भी रहा है आपको मसला नहीं है तो ठीक है वो आपकी क्लास की रिलैक्सेशन है वो फ़ोन यूज़ कर रहा है वो अपना लैपटॉप खोल रहा है कुछ टीचर्स कह रहे हैं कि भाई आप लोग अपने जो सारी टेक्निकल चीज़ें हैं वो सारी बंद रखोगे अपने गैजेट्स बंद रखोगे कुछ जो है वो कहते हैं कि आप करो गूगल इस्तेमाल करो सारा कुछ करो आप हमसे बात करो उसके मतलब तो ये वेरी थी� करता है आपने डूज एंड डोंट्स उनको डिफ़ाइन करें स्टूडेंट तक डिलीवर करें कि भाई अगर आप इस तारीख को असाइनमेंट नहीं देंगे असाइनमेंट नहीं दे रहे तो आप नहीं क्लास में आ सकते आपकी असाइनमेंट का नंबर नहीं लगेंगे या फिर आप एक ऐसे टीचर हैं कि जो कहते हैं कि इट्स ओके टेक योर टाइम मेक योर असाइनमेंट एज परफेक्ट एज यू कैन एंड देन गिव दैट टू मी तो आप ये भी कर सकते हो अगेन इट इट इज़ वेरिंग तो वो फिर करके आप अपने डूज एंड डोंट्स डिफ़ाइन करो फिर स्टूडेंट को पार्टिसिपेट कराना है तो उसके लिए थोड़ा सा आपको ये करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स मैंने अपनी टीचिंग लाइफ के अंदर देखा है कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते होते तो उनको उस हर स्टूडेंट को उसके मिजाज के मुताबिक डील करना पड़ेगा अब बहुत ज़्यादा लोग हैं जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते कि जो बात करें तो डू कम्युनिकेट विद दैम इन राइटिंग नोट्स ठीक है ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है जो आप क्लास के अंदर अपना सकते हो कि अगर स्टूडेंट आपसे पार्टिसिपेट नहीं कर रहा बोल के वो नहीं बोलना चाह रहा सारे लोगों के बीच में और हमें समझने की जरूरत है कि वो नहीं बात करना चाह रहा ठीक है अच्छा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप उसको डांटोगे और आप बोलोगे कि तुम क्लास के सामने बात करो ठीक है एंड पे हम हमारा गोल यही है कि हमने उससे बात करवानी है हमने उसे प्रेजेंट करवाना है तो अगर आपने उससे बात भी करवानी है तो आप उसको ये नहीं बोलोगे कि भाई आप आओ और आके लेक्चर झार दो या आप एक तकरीर कर दो ऐसा नहीं होगा आप उसको उसको राइटिंग नोट्स में उससे कम्युनिकेट करना पहले शुरू पहले वो आ, अपने आइडियाज को ऑर्गेनाइज करना सीखे जी चाहे वो उसको रिटर्न फॉर्म में एक्सप्रेस करें एक्सप्रेशन तो सीखे ना एक्सप्रेस करने में वो कंफर्टेबल तो हो ना आप उसको उस क्लास के अंदर कम्फर्टेबल करो फिर पहले आप उसके आइडियाज क्लास में शेयर ना करो क्योंकि मे बी द पर्सन इज रिलेक्टेंट दैट्स वाई स्पीकिंग जब वो अपने आइडियाज आपके साथ शेयर कर रहा है आप उसको कॉन्फिडेंस में ले रहे हो फिर आप उसको जब कॉन्फिडेंस में ले रहे हो आहिस्ता आहिस्ता आप उसके आइडियाज़ को क्लास के साथ शेयर करने लग गए हो ठीक है।, है आप कह रहे हो कि हमारी क्लास में एक स्टूडेंट ऐसा है जो ऐसा सोचता है अब उस स्टूडेंट ने बात नहीं की लेकिन वो दिल में एक उसको अप्रिसिएशन का एहसास हो रहा है कि मेरा टीचर मुझे अप्रीशिएट कर रहा है उसको एक कॉन्फिडेंस मिल रहा है वो कंफर्टेबल हो रहा है।, है फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको ख़ुद भी नहीं पता चलेगा और वो बोलने लगेगा तो दिस इज़ हाउ यू मेक पीपल पार्टिसिपेट कि वो पार्टिसिपेट करें क्लास के अंदर ठीक है। फिर इंटरेक्शन आपस में वो करें आप उनकी ग्रुप एक्टिविटीज करवाएं और फिर ग्रुपिंग ये ना हो कि ये हमारे छे लोगों का ग्रुप बन गया है और ये तो ग्रुप रहेगा हमेशा से वो Uh, सारी जिंदगी ग्रुप रहने वालों का कॉन्सेप्ट अक्सर यूनिवर्सिटी के लोगों में चलता होता है बच्चों में चलता होता है वो नहीं करना आप हर बार डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बनाएं ताकि स्टूडेंट्स डिफरेंट स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करें जब वो उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा वो एक टीम में काम करने के लिए बड़े अच्छे टीम प्लेयर बनेंगे और फिर बीच में जब आप उनको कभी कभी ग्रुप लीडर्स बना रहे हो तो उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ भी आएंगी तो दिस इज़ हाउ चीज़ें जो है वो पार्टिसिपेशन और इंटरेक्शन वाली चलती हैं ठीक है तो यहाँ पे मिस नाइमा आ, डिफरेंट एजुकेशन के व्यू पॉइंट्स भी हैं किताब में हमारे पास हाँ जी तो मैं चाह रही हूँ कि आप एक दो व्यू पॉइंट्स जो तो हैं वो हमारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें कि वो क्लासरूम मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स को किस तरह से देखते हैं वो इसके बारे में क्या कहते हैं ठीक है हमारा हमारे पास ब्राउन है जो ये बात करते हैं कि आप टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशन है वो मैटर करता है अगर टीचर और स्टूडेंट का फ्रेंडली रिलेशन है तो बड़ा अच्छा सिलसिला चल सकता है क्लासरूम मैनेज बहुत अच्छी हो सकती है, है प्रॉब्लम्स नहीं होंगे कन्फ्लिक्ट होंगे ऐसा तो नहीं हो सकता कि कन्फ्लिक्ट हो डिसिप्लिन के मसले कम होंगे तो वो ये कहते हैं कि टीचर और स्टूडेंट का जो आपस में फ्रेंडली माहौल है वो बड़ा मैटर करता है फिर हमारे पास बेलाड आते हैं वो ये कहते हैं कि डिसिप्लिन और अप्रोच है उनकी वो ये कहते हैं कि क्लास के अंदर अगर हम लोग अपनी अथॉरिटी को मनवा रहे हैं अगर टीचर का स्टेटस एज ए टीचर एज ए अथॉरिटेटिव पर्सन कन्फर्म किया जा रहा है तो इसका मतलब है कि क्लास रूम के अंदर मसला नहीं आएगा क्लास रूम बहुत अच्छा चलेगा तो ये हमारे एजुकेशन के अप्रोचेस है बट ऐसा नहीं होता कि हमेशा से आप एक अप्रोच पर चलने लगते हो तो फिर चलते ही जाते यू यू हैव टू डू दैट मेक्स एंड मैच ठीक stuff. है आ, प्रोग्राम का अख्ताम करने से पहले मिस नाइमा मैं चाह रही हूँ कि आप एक दो लाइनों में एक फाइनल वर्ड के तौर पर इसको बताएं कि एक्चुअली क्लासरूम मैनेजमेंट कैसे करें अच्छा मैं अपने एक्सपीरियंसेस के बिना पर बता एक्सपीरियंस नहीं आप एक दो लाइनों में इसको रैप अप कर दें कोई जैसे आप ये कहें कि ये दिस इज़ द द टू मैनेज क्लास तो मेरे ख्याल में तो जो एक लाइन दो चंद लफ्सों के अंदर बात है वो है मोहब्बत फ़ा आलम इकबाल कहते होते हैं यकीन अमल पेहम मोहब्बत आलम आप अपनी यकीन के साथ अपनी एक मसल, मसलसल कोशिश के साथ प्यार से कोशिश करते रहें आपके सामने रिजल्ट आ जाएंगे तो ये ये तो क्लास है वो तो मोहब्बत फात आलम की बात करते हैं तो मतलब आप वो सब उसशन के साथ अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते रहें तो इन शाला इनशाला क्लास रूम मैनेजमेंट के अंदर कम प्रॉब्लम्स आएंगी ठीक है बहुत शुक्रिया मिस सुनाय आपका थैंक और आज के प्रोग्राम में जैसा कि हमने यूनिट नंबर नाइन को डिस्कस किया हमने क्लासरूम मैनेजमेंट को देखा हमने क्लासरूम मैनेजमेंट में अरइज़ होने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स को देखा हमने डिस्ट्रपटि बिहेवियर को देखा हमने डिफरेंट सोर्सिस को देखा जो कि क्लासरूम मैनेजमेंट को ख़राब करते हैं हमने देखा कि स्टूडेंट्स को कैसे टैकल करना है और मिस टाइमा ने अपनी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हमें शेयर कि किस तरह से वो चीज़ों को हैंडल करती रही हैं इसके साथ ही मैं प्रोग्राम का अखता इस हदीस के साथ करूँगी कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो दूसरों के लिए ज़्यादा नफ़ा बख्श है तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस काबिल बनाए कि हम दूसरों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नफा साबित हो सकें इसके साथ ही अल्लाह हाफिज